कूदो जल दिला दो हम May I also request the Honourable Vice Chancellor to felicitate the Minister for Women and Child, Swati Singh Ji. With a shawl and a man. और ये इसके May I request Swati ji to say a few words to bless the students and say something which we all are looking forward to. थैंक यू सो मच. आज आज की शाम और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आलोक राय जी, जो अभी मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं, निशी पांडे जी जो थोड़ी देर पहले यहाँ मंच पर दिख रही थी, यहाँ पर उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टाफ हैं, वो यहाँ पर जितने एलुमिनाई इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और जितने स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के यहाँ पर उपस्थित हैं, वैसे अभी मैं यही बोलने वाली थी कि एलयू इतना शांत नहीं रहता है. उधर पीछे से आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि जब कोई ऐसा फंक्शन हो तो मुझे लगता है वीसी साहब को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा हुटिंग करने में, तो बच्चे कर सकते हैं. मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सारे स्टूडेंट्स को, और मैं इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ. यहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया है, यहीं से मैंने एलएलबी किया है और यहीं से मैंने एलएलएम किया है. बीच में मैं मेरा एमबीए में सिलेक्शन हो गया था, तो एमबीए मैंने एनआईटी से किया है. तब उस समय एमएनआरईसी था इलाहाबाद, प्रयागराज जो अब हो गया है. और तब मैंने जो डिफरेंस देखा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में और एमएनआरईसी में जो डिफरेंस था प्रोफेशनल कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का, आज कहीं ना कहीं वो जो अंतर था, वो डिफरेंस था, आज वो ख़त्म होता दिख रहा है मुझे. और इसके लिए मैं वाइस चांसलर साहब को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि किसी भी चीज के लिए ब्रांडिंग बहुत जरूरी होती है और आज लखनऊ यूनिवर्सिटी का ब्रांडिंग हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन ब्रांडिंग के लिए हर चीज जरूरी है, और जरूरी में सबसे पहले जरूरी यह है कि आप सारे इंटरव्यूज क्रैक करिए, चाहे जिस भी फील्ड में जाइए, वहाँ ये डंका बजना चाहिए कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं. मैं बहुत शान से बोलती हूँ, मैं बहुत गर्व से इस बात को बोलती हूँ कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की हूँ. और ये नहीं कि आज मैं मंत्री बन गई तभी मुझे गर्व नहीं है. जब 1996 में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीकॉम में एडमिशन लिया था, तब भी मैं गर्व महसूस करती थी और आज भी मैं गर्व महसूस करती हूँ. और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो अभी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ये भी अभी मैं वीसी साहब को कह रही थी कि साल में एक बार ज़रूर ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ कराइए और स्पोर्ट्स का कार्यक्रम करवाइए, क्योंकि बच्चे भी पढ़ते 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 थोड़ा कुछ दिन तो चाहिए, एक आध दो दिन, तीन दिन, चार दिन तो चाहिए कि बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज़ में इंजॉय करें, पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ाई में मेरिटोरियस हों. और हमें अपने बच्चों की जो उनके अंदर जो एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटीज़ है, उसको पहचानने की आवश्यकता है. अभी आपने देखा होगा कुमकुम जी इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी की एल्यूमिनाई हैं, वो यहीं की स्टूडेंट हैं, और उनके
अंदर जो कला छिपी थी वो पता नहीं जब वो पढ़ती थी तब उसे कोई पहचान पाया था कि नहीं। ऐसी कला को पहचानने के लिए आवश्यक है कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन मनसिन्हा योर होना चाहिए। तो सर मैं आपसे आग्रह करूंगी कि बच्चों को आप ये कमिट कर दीजिए मास्क हटा करके प्लीज। क्योंकि मैं यहाँ की स्टूडेंट भी रही हूँ और मैंने यहाँ पर 10 साल पढ़ाया भी है, तो पहले स्टूडेंट्स की मांग पूरी हो जाए। कितने बच्चे चाहते हैं कि मनसिन्हा योर कल्चरल एक्टिविटीज होना चाहिए? सर प्लीज बोल दीजिए, आपका नाम अमर हो जाएगा एनडीए में। और दूसरा, क्योंकि मैं यहाँ की फैकल्टी भी रही हूँ तो मैं आप सभी बच्चों से ये एक कमिटमेंट चाहती हूँ कि कितने बच्चे हैं जो भविष्य में जाकर लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। ये कमिटमेंट आज वीसी साहब से भी होना चाहिए और मुझसे भी होना चाहिए। इसमें आवाज कम क्यों हो गई है? अब मैं 2 मिनट और टाइम लूंगी, वैसे मुझे 2 ही मिनट दिया गया था, लेकिन इसके अलावा कुछ बातें हैं जो मैं आपको जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगी। अभी जो आज जो जब से मैं आई हूँ तब से मैं कार्यक्रमों को देख रही हूँ और आगे पीछे मैं घूमकर भी देख रही थी। आज की शाम में कुछ खास बात मुझे दिखी है, वो क्या है? मुझसे अभी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, एक जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था। उन्होंने कहा कि आपके व्यक्तित्व में आपको सबसे मजबूत पक्ष क्या लगता है? मैंने कहा मुझे सबसे मजबूत पक्ष अपने व्यक्तित्व में ये लगता है कि मैं एक नारी, और नारी होने के साथ साथ मैं एक माँ हूँ। और अभी कुमकुम जी यहाँ मंच पर कह रही थी कि जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया था कथक यहाँ पर उन्होंने किया था, उन्होंने कहा कि जो एक्सप्रेशंस होता है कि मैं उदास हूँ, मैं खुश हूँ, मैं नाराज हूँ, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं अगर किसी में समझने कोई सक्षम है अगर उन चीज़ों को समझने में, तो एक नारी ही है और वो माँ का रूप है जो उन चीज़ों को समझने में सक्षम है। और हर नारी के अंदर माँ छुपी होती है। ये जरूरी नहीं है कि जब आपका अपना बच्चा हो तभी आप एक माँ का रूप होंगे, वो एक हमारे अंदर एक वो इंस्टिंक्ट होता है। और मैंने जनरली देखा है कि लड़कियां थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती हैं और उनको टैबू लगता है कि हम इन इश्यूज को सबके सामने बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय बदल गया है, हमें हर इश्यूज पर हर जगह हम चर्चा कर सकते हैं, ये बताने की जरूरत है और ऐसी चर्चाओं को करने की जरूरत है। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, मैंने अपनी बेटी को सिखाया है कि कभी कभी किसी भी सिचुएशन में अगर आपको अपनी बात रखनी है और अगर आप लगता है कि आप सही हैं तो आप अपनी बात को ज़रूर रखिए। यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी कोएड है, यहाँ पर को एजुकेशन है, यहाँ बहुत सारे मैं लड़कों को भी देख रही हूँ। हम बार बार इन चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि लड़कियों के साथ ऐसे बहुत कांड होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मोलेस्टेशन की चीज़ें होती हैं, मोलेस्टेशन होता है, स्टॉकिंग होता है, रेप होते हैं, तब हम क्रिटिसिज्म करते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी ना किसी को हम क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 3 S है। पहला संविधान, मैं वर्ड्स हिंदी के ले रही हूँ, पहला संविधान, दूसरा सरकार और तीसरा समाज। संविधान ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है एक लड़के और एक लड़की में, एक महिला और एक पुरुष में। सरकार लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्ट्स बनाती है ताकि हम सुरक्षित रहें। कहीं ना कहीं समाज को बदलाव लाने की आवश्यकता है, समाज में सोच बदलने की आवश्यकता है, और वो सोच तब बदलेगा जब हम दूसरे की ओर नहीं देखेंगे, हम अपने आप से उस बदलाव की शुरुआत करेंगे। और जहाँ पर मैं, जिस प्रांगण में खड़ी हूँ, मुझे विश्वास है कि इस देश, इस प्रदेश का भविष्य मेरे सामने बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के आप भविष्य में एलुमनाई होंगे, तो एक अपनी ऐसी पहचान बनाइए जहाँ से संस्कार की भी शुरुआत होनी चाहिए। इस पहचान को आगे लेकर जाइए, जब आपके अंदर संस्कार होगा तो आपका भविष्य भी बहुत रोशन होगा, आपके यूनिवर्सिटी का नाम होगा, आपके घर का, आपके माता पिता का, आपके गुरु का नाम होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी बच्चों को
बहुत शुभकामनाएं देती हूँ भविष्य के लिए, मेरे ढेर सारा प्यार। ये मैं जरूर चाहती हूँ कि आपके यहाँ सोशल वर्क है सर, क्योंकि मैं, मेरे पास जो विभाग है वो बाल विकास और महिला कल्याण है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ सोशल वर्क जरूरी नहीं है कि जो सर्वे करे, अगर किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट है तो हम वो टॉपिक्स आपको दे सकते हैं, आप उसमें सर्वे करके हमको डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे, इतने सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अब्रॉड जाना चाहते होंगे। आज के समय में धीरे धीरे बहुत चीज़ें बदल गई हैं। आज जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो कंपनी वाले ये देखते हैं कि आप अपने पढ़ाई के अलावा आपने कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने किया है, उसमें सोशल वर्क भी होता है। अगर आप चाहें तो, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा विभाग है, उस विभाग से एसोसिएट होके, उस विभाग से कोलैबोरेट करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं कुछ ऐसा काम करें कि उत्तर प्रदेश सरकार भी बोले कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हमें हर कदम पर सहयोग किया। इस आशा के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पर एलुमिनाई भी बहुत सारे होंगे। मेरी एक इच्छा है कि ये सारे बच्चे जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो एलुमिनाई है उनकी भी जिम्मेदारी है, ये हम सब की भी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों का भविष्य अच्छा हो। तो जहाँ जिस जगह पर भी हम जितना भी कुछ कर सके इन बच्चों के लिए, मुझे लगता है वो शायद इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं इस मंच से आपको वादा करती हूँ कि स्वाति सिंह आप सबके साथ खड़ी हैं। अगर मेरी कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ेगी और मेरे लायक होगा कि मैं उस काम को कर सकती हूँ, तो आज ये वादा मैं आपको करती हूँ कि हमेशा हमेशा आपके लिए मैं खड़ी रहूँगी, क्योंकि मैं इसी यूनिवर्सिटी की हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you very much. We are indeed very grateful to you, and we want to put on record that the students of Lucknow University have been formally invited by the Mission Shakti for 180 performances, where the students of Lucknow University are going to perform the Nukkad Natak. Thank you very much. अब इस कार्यक्रम का वो भाग आरंभ होने जा रहा है जिसका कि इतनी देर से सभी विद्यार्थी बहुत शिद्दत से प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बहुत जोर सी तालियों की गूंज, थोड़ी और